हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आपने अपने आईटेल फोन को हार्ड रिसेट कर लिया, उसके बाद ये जो है FRP मांग रहा है, तो दोस्तों इसको आप FRP कैसे बाईपास करोगे, दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो है वाईफाई कनेक्ट कर लेना। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ से चलिए आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि हमारा जो है जीमेल आईडी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है दोस्तों। तो चलिए, यदि आपने अपने आईटेल मोबाइल को हार्ड रिसेट कर लिया, हार्ड रिसेट करने के बाद यदि आपका FRP मांग रहा है, गूगल अकाउंट मांग रहा है और आपको अपना गूगल अकाउंट नहीं पता है, तो कैसे आप इसको बाईपास करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप और बिना सॉफ्टवेयर के दोस्तों आपको इसका जीमेल आईडी बाईपास करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पे देखिए, ये पासवर्ड मांग रहा है, इसका पासवर्ड डाल देंगे तो भी खुल जाएगा, तो इसका पासवर्ड हमें पता नहीं है। और यहाँ पे उसे नीचे जो है जीमेल का ऑप्शन दिया हुआ था, तो जीमेल पे जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है जीमेल आईडी मांगेगा। तो यदि आपको दोस्तों ना तो पासवर्ड पता है ना तो इसका जीमेल आईडी पता है, तो इसको जो है बाईपास आप कैसे करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए, यहाँ से अब पूरा बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ इमरजेंसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी पे यहाँ डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ जो पेन का है आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है पूरा ऐड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे और इसका जो है नीले रंग का कॉन्टैक्ट, इस पर जो है जस्ट वंस का एक बार क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मैसेज वाले पे यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है youtube.com, तो यहाँ पे आप youtube.com लिख लेना। तो चलिए, यहाँ से youtube.com लिख के इसको जो है मैसेज सेंड कर देते हैं। मैसेज सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे youtube.com पे, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट जो है यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यूट्यूब ओपन होने के बाद यहाँ से दोस्तों आदमी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे अबाउट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब ट्रीम आप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको कोई भी ऐप्स नहीं लोड करना है दोस्तों। मैं बताऊँगा कैसे इसमें जो है आपको FRP बाईपास करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है FRP फाइल। तो चलिए दोस्तों, FRP फाइल यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपको FRP फाइल सर्च करना है, तो FRP फाइल यहाँ पर सर्च कर लेना। उसके बाद ये जब ये ओपन हो जाएगा, पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद जब ये ओपन होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ओपन सेटिंग ऐप। किसी में मतलब यहाँ से ओपन सेटिंग ऐप खोलने पर सेटिंग जो है ओपन हो जाता है। तो चलिए, इसमें नहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है ओपन सेट लॉक स्क्रीन। सबसे जो है ऊपर वाला लिंक जो है ओपन सेट लॉक स्क्रीन पे हम जो है क्लिक करेंगे दोस्तों। तो चलिए, यहाँ सबसे ऊपर वाले सेट ओपन पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न लॉक मांगेगा। चलिए, यहाँ से अपना जो है कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना दोस्तों, पैटर्न लॉक अपना जो भी इजी हो, पैटर्न लॉक यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, तो यहाँ पे कुछ भी ओके करके आप जो है यहाँ कुछ भी लिख देना दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए, हमारा जो है फेवरेट कलर जो है रेड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हम रेड डाल देते हैं दोस्तों। आप कुछ भी यहाँ पे डाल देना दोस्तों, ये सिक्योरिटी है मतलब सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से आई एग्री कर देना। उसके बाद यहाँ से भी ओके कर देना इसको। ओके करने के बाद यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, बैक करना है। अब कोई भी ऐप नहीं करना दोस्तों, अब आपका काम हो गया दोस्तों। चलिए, पूरा बैक कर लेते हैं। बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है चेकिंग अपडेट बताएगा। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट पिक कॉपी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पैटर्न मांग रहा है दोस्तों। अब हमने जो वहाँ पर सेटिंग में जाके पैटर्न डाला था दोस्तों, वो यहीं पर डाल देंगे दोस्तों। बस यही सिंपल सा एक काम करना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा, FRP बाईपास होगा। देखिए, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया गूगल अकाउंट का, आप यहाँ पे स्किप कर देना, बस आपका काम हो गया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मांगेगा, फिर इसको मतलब वही पैटर्न डाल देते हैं जो हमने सेटिंग में डाला था, फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ से वही पैटर्न डाल देंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। हमने जो सेटिंग में डाला था वही पैटर्न हमें डालना है। उसके बाद इसके बस नेक्स्ट करते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज द कंट्री, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी कंट्री से हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपका जो है सेट ओपन। कैसा लगा ये वीडियो मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, बहुत ही इजी ट्रिक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।